नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके रिक्वेस्ट से फिर से मैं लेके आया हूं वर्ष 2019 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स का कलेक्शन। ये चौथा सेशन है इसका, ऑलरेडी मैंने इसके 3 सेशन अपलोड कर दिए हैं। आपको बाकी सेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने के लिए मिलेंगे 3 सेकंड का वक्त। अगर आप लोग को इसका उत्तर आता है तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य कौन बन गया है। वेरी गुड दोस्तों, हाल ही में सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी को 10% आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है कौन सा दोस्तों? उत्तर प्रदेश बन गया है, यानी सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। तो डेफिनेटली आपके मन में कुछ प्रश्न आएंगे कि ये तो क्लियर है कि तीसरा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। अगर प्रश्न को ट्विस्ट करके पूछा जाए कि पहला राज्य कौन सा था जिन्होंने सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण दिया, तो पहला राज्य था गुजरात, दूसरा राज्य था झारखंड और तीसरा राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। आपको बता दूं कि 14 जनवरी 2019 से ये लागू हो चुका है और यूपी कैबिनेट ने 18 जनवरी 2019 को इस संबंध में निर्णय लिया। इसके अलावा बात आई है अमेंडमेंट की, किस अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है 10% आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग के, तो अमेंडमेंट 124 के अंतर्गत 124 अमेंडमेंट के अंतर्गत जो है आरक्षण दिया गया है और दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरा राज्य बनाया है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर और उत्तर प्रदेश के राजधानी कौन सी है जल्दी मुझे बताइए। वेरी गुड, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर है राम नायक, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और कत्थक जो है वहां का स्टेट डांस है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और रामगंगा जैसी नदियां बहती है उत्तर प्रदेश से। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया स्टील 2019 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका चौथा जो संस्करण है वो आयोजित किया गया कहाँ पे दोस्तों? वेरी गुड, इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया मुंबई में आयोजित किया गया। कब से कब तक आयोजित किया गया? 22 से लेके 24 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया मुंबई में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इंडिया स्टील 2019 का चौथा संस्करण का मुख्य उद्देश्य था उद्योग के विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करना और ये इसका चौथा संस्करण था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इसका विषय यानी थीम क्या था? बैलेंसिंग स्टील डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक बिल्ड ए न्यू इंडिया इज द थीम ऑफ 2019 इंडिया स्टील। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, हाल ही में 2019 जापान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। वेरी गुड, हाल ही में डॉक्टर रतन लाल को जापान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अब आखिर में सम्मानित क्यों किया गया? अनुचित जैविक जो उत्पाद हैं के कारक मृदा के क्षरण की प्रक्रिया और उसके कारकों पर शोध के लिए उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किन्हें? डॉक्टर रतन लाल को। उन्हें दुनिया के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों हुए 2012 में शामिल किया गया था डॉक्टर रतन लाल और उन्हीं को 2019 जापान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियान और भारत के पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक कहां आयोजित की गई। वेरी गुड, हाल ही में एशियान और पर्यटन मंत्रियों की 7वीं बैठक आयोजित की गई कहां पे? वियतनाम में आयोजित की गई। कब आयोजित की गई? 18 जनवरी 2019 को आयोजित की गई, वियतनाम की हाई सिटी में आयोजित की गई और इस बैठक में भारत के पर्यटन मंत्री केजी अल्फांसो शामिल थे। अब जब बात आई है एशियान की तो थोड़ी सी एशियान के बारे में बताना जरूरी है। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। फाउंडेशन हुई थी 8 अगस्त 1967 में। कुल इसमें अभी 10 स्थायी सदस्य हैं, इसमें भारत शामिल नहीं है, पर आसियान ने भारत को सलाहकार देशों का दर्जा दिया है। स्थापना 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में हुई थी जो थाईलैंड की राजधानी है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2019 की शुरुआत किसके द्वारा की गई, यानी कि यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम 2019 की शुरुआत किसके द्वारा की गई। वेरी गुड, हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2019 की शुरुआत की गई है भारत के
इसरो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि इसरो के द्वारा शुरुआत की गई, पर आखिर में ये कार्यक्रम है क्या? यह कार्यक्रम उन स्कूली छात्रों के लिए है जो अंतरिक्ष अनुसंधान में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 3 छात्रों को चयनित किया जाएगा और उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रयोगशालाओं तक जो है वो पहुंच प्रदान की जाएगी और एक छोटा उपग्रह का निर्माण कर उन्हें व्यवहारिक अनुभव जो है वो प्रदान किया जाएगा। और ये शुरू किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। अब इसरो के बारे में जब बात आई है, मुझे फटाफट बताइए कि इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? वेरी गुड। इसरो के हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, फाउंडेशन की थी विक्रम साराभाई ने 15 अगस्त 1969 में। इसरो के डायरेक्टर है के शिवानजी और फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वेरी गुड। हाल ही में IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया किसे? वी वैद्यनाथन जी को। आपको पता होगा कि रिसेंटली IDFC और कैपिटल फर्स्ट बैंक की मर्जिंग हुई थी, दोनों मर्ज हो गए थे और मर्जिंग के बाद जो है वी वैद्यनाथ जी को उसके MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। इससे पहले वैद्यनाथ कैपिटल फर्स्ट के संस्थापक थे और अध्यक्ष थे और उन्हीं को IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में प्रतिष्ठित रोजा पार्क टेल ब्लेजर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है नीचे के ऑप्शन में से। वेरी गुड। हाल ही में रोजा प्रैंक टेल ब्लेजर पुरस्कार 2019 से गुरिंदर सिंह खालसा को सम्मानित किया गया। अब आखिर में ये गुरिंदर सिंह खालसा हैं कौन? यह भारतीय अमेरिकी परोपकारी और उद्यमी है। गुरिंदर सिंह खालसा को 18 जनवरी 2019 को प्रतिष्ठित रोजा पार्क्स टेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें साहस और करुणा के अपने निरंतर प्रदर्शन के लिए सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक अभियान शुरू किया था जिसमें अमेरिकी अधिकारियों के सिख समुदाय की पगड़ी के प्रति अपनी नीति को बदलने के लिए उन्होंने मजबूर किया और इसी के कारण गुरिंदर सिंह खालसा को रोजा पार्क टेलब्लेजर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के द्वारा एक उपग्रह यानी सैटेलाइट लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला कृत्रिम उल्कापात करवाना है, यानी कि आर्टिफिशियल मैटर शावर करवाना है? वेरी गुड। सही उत्तर है जापान। जापान के द्वारा हाल ही में ऐसा एक सैटेलाइट यानी उपग्रह बनाया गया। वो सैटेलाइट का नाम जो है एप्सन 4 रखा गया है और इसी के द्वारा जो है आर्टिफिशियल उल्कापात करवाया जाएगा। अब जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है? वेरी गुड। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम जक्सा है। जक्सा यानी जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान की राजधानी है टोक्यो, करेंसी जापानी येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर है शिंजो अबे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में एंड्री रोजलिना ने कहां के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? बहुत अच्छे दोस्तों, हाल ही में एंड्री रोजलिना ने मेडागास्कर के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण किया। मेडागास्कर की राजधानी है कौन सी दोस्तों? एंटाना रिवो मेडागास्कर की राजधानी है और एंड्री रोजलिना उसके नए राष्ट्रपति है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मधु बाबू पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? वेरी गुड। मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है और 19 जनवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई है। अब इस ये है क्या? उड़ीसा सरकार के द्वारा इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 200 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है और इस योजना में लगभग 48 लाख बुजुर्ग विधवा एवं निरस्त जो महिलाएं हैं वो लाभान्वित होंगी। पेंशन धारकों को 300 रुपये के मुकाबले अब 500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे और इसे शुरुआत किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है, उड़ीसा के गवर्नर कौन है और उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? वेरी गुड। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल और उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के 15वीं संस्करण का उद्घाटन कहां किया गया? वेरी गुड, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश में, यानी कि 15th एडिशन ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। कब से कब तक हुई? 21 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई, प्रवासी भारतीय दिवस की मनाया गया उत्तर प्रदेश में। और प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का उद्घाटन 21 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस के 15 संस्करण का विषय क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसका विषय था नए भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ इंडियन डिप्लोमेट इन बिल्डिंग न्यू इंडिया। ठीक है, इसके अलावा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया कब जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को चुना गया? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसी कारण से हम लोग इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। पर इस बार जो है 21 से 25 जनवरी के बीच में मनाया गया, 21 से 23 जनवरी के बीच में मनाया गया, कारण था कुंभ मेला को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया था। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा किस शहर को 2020 के लिए विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया? वेरी गुड, यूनेस्को के द्वारा हाल ही में रियो डी जेनेरियो को विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया। अब रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो, और इसी को यूनेस्को के द्वारा विश्व राजधानी के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा यूनेस्को के बारे में कुछ चीजें ध्यान रखिए कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेड कौन है, इसके अलावा इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, और यूनेस्को की फुल फॉर्म के बारे में भी बहुत बार पूछा जाता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स से है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में 228 पदक के साथ किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वेरी गुड, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में कुल 228 पदक के साथ महाराष्ट्र ने पदक तालिका में टॉप स्थान प्राप्त किया है। टॉप में रहा है महाराष्ट्र। दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य रहा है दोस्तों? वेरी गुड, अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात आई है तो खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? ये पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 9 से लेकर 20 जनवरी 2019 तक आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन किसने किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने और केंद्रीय खेल मंत्री हमारे जो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया। इसके अलावा 2018 में जो गेम हुआ था, ये तो 2019 में खेलो इंडिया यूथ गेम नाम दिया गया, 2018 में इसका नाम क्या था? वेरी गुड, 2018 में इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, और ये दूसरा संस्करण है खेलो इंडिया का। 2018 में पहला संस्करण हुआ था और 2019 में ये दूसरा संस्करण हुआ। कुल 9000 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए कि 2019 का जो यूथ गेम हुआ खेलो इंडिया था, उसका शुभांकर क्या था, ऑफिशियल मस्कट क्या था? वेरी गुड, उसका ऑफिशियल मस्कट था जया और विजया। इसका थीम क्या था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका थीम था 5 मिनट और। इसके अलावा पहला गोल्ड मेडल जीता है मोहम्मद राफी ने जिम्नास्टिक में। इसके अलावा गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे कम उम्र के यानी युवा खिलाड़ी बन गए हैं अभिनव शाह, मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले बने हैं श्रीहरि नटराज, तैराकी के क्षेत्र में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, कुल 7 गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। और इसके ऑर्गेनाइज कराया है इसने साई ने, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे ऑर्गेनाइज किया है, यानी भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला प्रश्न जो आपके लिए है कि कौन सा भारतीय संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला संस्थान बन गया है? वेरी गुड दोस्तों, आईआईटी हैदराबाद ही एकमात्र ऐसा संस्थान बन गया है जो कि बीटेक डिग्री दे रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बढ़ती मांग को देख के यह जो है निर्णय लिया गया है, और ये सेशन जो होगा 2019-20 में इसकी शुरुआत हो जाएगी बीटेक कार्यक्रम की। ठीक है, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उच्च गुणवत्ता में शोध प्रकरणों के मामले में दुनिया में भारत की रैंकिंग क्या है पूछी जाए तो भारत 3रे नंबर पे है पूरे दुनिया में। शोध प्रकरण की बात हो रही है रिसर्च फील्ड में, पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे यूएसए, और तीसरे नंबर पे हमारा देश भारत है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है?
वेरी गुड दोस्तों, आउटलुक की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी जो है 2019 में 7.5 बढ़ने की संभावना है और ये रिपोर्ट जारी किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिकल आउटलुक के द्वारा। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल्लीकट्टू कार्यक्रम ने खेल के मैदान में कितने सांडों की अधिकतम संख्या छोड़ने का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो सही उत्तर है दोस्तों कुल 1354 सांड जो है एक साथ छोड़े गए थे जल्लीकट्टू पे। जल्लीकट्टू आपको पता होगा तमिलनाडु में आयोजित एक भव्य जो है सांडों को वश करने वाला कार्यक्रम है जो कि 20 जनवरी 2019 को हुआ है और ये खेल प्रतियोगिता में 1354 सांड और 424 व्यक्तियों की भागीदारी देखी गई। जल्लीकट्टू आमतौर पर तमिलनाडु में पोंगल जो है के द्वारा आयोजित मतलब पोंगल के समय आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF की 49वीं वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई। वेरी गुड, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 49वीं बैठक शुरू हुई स्विट्जरलैंड में शुरू हुई। 22 जनवरी 2019 को वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की 49वीं बैठक स्विट्जरलैंड के दोवाब्स में शुरू हुई। इसके अलावा इसका थीम क्या था? इसका थीम था ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। वेरी गुड, हाल ही में बुर्किना फासो के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस्टोफे दाबियार। क्रिस्टोफे दाबियार को हाल ही में बुर्किना के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बुर्किना फासो की कैपिटल कौन सी है दोस्तों? ओगुदागू। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आईसीसी क्रिकेटर के रूप में किसे मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। वेरी गुड, हाल ही में आईसीसी के द्वारा मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली को जो है वो चुना गया। विराट कोहली हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और इन्हीं को हाल ही में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। इसके अलावा ऋषभ पंत को 2018 के लिए आईसीसी द्वारा इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अल्पकालीन वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के लिए मंत्री के रूप में किसे चुना गया। वेरी गुड, हाल ही में पीयूष गोयल को अल्पकालीन यानी थोड़े समय के लिए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री के रूप में चुन लिया गया है। पीयूष गोयल को अरुण जेटली की अस्वस्थता के दौरान वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के अल्प मंत्री के रूप में नामित किया गया। आपको पता होगा कि पीयूष गोयल जो है मौजूदा कोयला और रेलवे मंत्रालय भी देख रहे हैं। इससे पहले भी पीयूष गोयल को मई 2018 में वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग नामक संयुक्त अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। वेरी गुड, ये जो युद्ध अभ्यास है ये पुणे में आयोजित किया जाएगा। युद्ध अभ्यास से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न पुणे में 23-24 जनवरी 2019 में आयोजित किया गया और इसका नाम जो है इंडिया अफ्रीका, ये देखिए IAFTX 2019 रखा गया है यानी कि इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज रखा गया है। ठीक है, ये भारत और ये अमेरिका के बीच का एक युद्ध अभ्यास है, माफ कीजिएगा, तो भारत और अफ्रीका के बीच का एक युद्ध अभ्यास है। अगला प्रश्न, 22 जनवरी 2019 को किसे सरस्वती सम्मान 2017 से सम्मानित किया गया। तो 22 जनवरी 2019 को किसे किया गया। वेरी गुड, 22 जनवरी 2019 को सितांशु यश चंद्र को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया और ये देख पा रहे ये है सितांशु यश चंद्र। अब ये अब किस भाषा के कवि है, ये गुजराती कवि है और आखिर इन्हें क्यों ये सम्मान मिला। उनकी गुजराती जो कविता है वखर के लिए उन्हें ये सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिव सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। वेरी गुड, ग्लोबल टैलेंट कंपेटिटिव इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत 80वें स्थान पे यानी 80 पोजीशन पे है। अब 2019 में 80 पोजीशन पे है, 2018 में कौन से पोजीशन पे था आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है,
टॉप नंबर पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे नंबर पे यूएसए है और भारत 80th पोजीशन पे है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा भारतीय गेंदबाज एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय बन गया है। वेरी गुड, हाल ही में मोहम्मद शमी जो एक भारतीय गेंदबाज हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। मोहम्मद शमी ने 56 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लेने का गौरव हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव घोषित किया है। वेरी गुड, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो एक नॉर्थ स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश ने पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल को राजकीय उत्सव के रूप में घोषित किया है। इसे पीपीएचएफ के नाम से भी जाना जाता है। पीपीएचएफ अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र संरक्षण त्योहार है। पीपीएचएफ को पहली बार 16 से लेकर 18 जनवरी 2015 को आयोजित किया गया था और इस त्योहार का उद्देश्य है पक्के टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल के संरक्षण में निवासी जो न्यासी जनजाति है द्वारा निभाई गई भूमिका को पहचान देना। तो क्लियर है, पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का राजकीय उत्सव बन गया है। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात आई है, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और राजधानी कौन सी है। वेरी गुड, अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है बी डी मिश्रा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और ये मैकमोहन लाइन जो भारत और चाइना को अलग करती है इसी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाघों की आबादी बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि एसटीपीएफ बनाने का निर्णय लिया। वेरी गुड, हाल ही में तेलंगाना सरकार ने बाघों की आबादी बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। 112 सदस्य होंगी ये। इसके अलावा इसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी होगी। केंद्र जो है 60% जो है इसका भुगतान करेगा जबकि राज्य जो है 40% भुगतान करेगा और इसे बाघों को बचाने के लिए एसटीपीएफ फोर्स बनाएगी तेलंगाना सरकार। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के राज्यपाल है ई एस एल नरसिम्हम। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। गठन हुई थी 2 जून 2014 को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट प्रश्न है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लांस नायक नजीर अहमद वानी को 2019 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बताना है नीचे के ऑप्शन में से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये आपका क्विज का प्रश्न है, आपके लिए जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से जरूर लाइक करना मत भूलिए क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि एक लाइक और एक कमेंट और सब्सक्राइब तो बनता है। क्लियर है। इसके अलावा आप चाहे तो मेरे साथ मेरी फेसबुक पेज और मेरे टेलीग्राम पेज से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों मैं इस तरह की वीडियोस कंटिन्यू अपलोड करते रहता हूं सो आप चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी को भी देख सकते हैं और रोज रात को मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस क्विज के सेशन में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं जल्द ही लौटूंगा नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहे मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत दोस्तों।